AM equal to BL एंड BN इज नॉट इक्वल टू CL। तो हम यहाँ पे पहले B है उसको इस साइड ले लेते हैं, A अपॉन B, सॉरी A अपॉन B नहीं, बट यहाँ पे L इस साइड ले लेंगे, तो A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M। और यहाँ पे भी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे M है वो इस साइड ले लेंगे, तो B अपॉन M इज नॉट इक्वल टू C अपॉन N। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का नॉट इक्वल टू पुट कर देंगे, यहाँ पे A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज नॉट इक्वल टू C अपॉन N। तो यहाँ पे ऐसे कौन सी कंडीशन होती है, ये तो पैरेलल लाइन की कंडीशन है। क्या है पैरेलल लाइन के लिए? और पैरेलल लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं? पैरेलल लाइन में एक भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन कंडीशन है उसके बेस हमें ए एम इक्वल टू बी एल दिया है, ए एम इक्वल टू बी एल, तो ये एल है उसको इससे डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, ए अपॉन एल और बी अपॉन एम। और उसी तरह यहाँ पे एल है उसको सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी क्या करते, एम को इस साइड नीचे लेके जाते, तो बी अपॉन एम इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन एन, दोनों को मिक्स कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज नॉट इक्वल टू सी अपॉन एन। और एक किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइन की। तो इसके यहाँ पे आपको एक भी सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।